करण जौहर अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कभी भी कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन समलैंगिकता पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने वाले करण उन लोगों में सबसे आगे रहे जिनको इस फैसले की कद्र और खुशी हुई। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होमोसेक्सुअलिटी पर बेस करण जौहर की बायोग्राफी बुक एन अनसुटेबल बॉय में काफ़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात सामने आई जिसे पढ़ने और सुनने के बाद हमें करण जौहर के सॉफ्ट कॉर्नर और पोलाइट नेचर का बखूबी अंदाजा लग जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि अपनी बुक के एक चैप्टर में करण ने शाहरुख खान के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी पहली बार बात की थी, जहां शाहरुख से अपना नाम जुड़ने पर करण ने एक बार बोला था कि सालों से शाहरुख और मेरे रिश्ते के बारे में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिनसे मैं काफी टेंस रहता था। साथ ही करण ने यह भी कहा कि मैं एक बार एक रियलिटी शो में शामिल हुआ था जिसमें मुझसे शाहरुख खान के बारे में पूछा गया और इंटरव्यू लेने वाले एंकर ने मुझसे कहा कि आखिर ये अनोखा रिश्ता क्या है आप दोनों का, तो उसके इस तरीके से पूछने पर मुझे सच में बेहद गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने भाई के साथ सोते हैं तो आपको कैसा लगेगा, तो इसके जवाब में एंकर ने कहा कि आपका क्या मतलब है, आप मुझसे ये सब कैसे पूछ सकते हैं। तो इस जवाब में मैंने बोला तो फिर आप मुझसे इस तरह के सवाल आखिर कैसे पूछ सकते हैं। वेल, करण का हम तो यही कहेंगे कि उनका इस तरीके से जवाब देना था एकदम सही, क्योंकि कोई किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई अपनी जजमेंटल एब्रिविएशन या फिर नोटिफिकेशन कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर बात करें करण और शाहरुख खान के रिलेशनशिप की, तो ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन, इन दोनों का बॉन्ड हमेशा से ही स्पेशल रहा है और इन दोनों का फ्रेंडशिप भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट नाइन लाइफ से शिवानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।